पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां बिहार में पंचायती राज विभाग एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पंचायत सरकार भवन केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता दी कि पंचायत सरकार है, तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किया और तेजी से काम हो रहा और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली कर दी वो सब भी सैंक्शन कर चुके, उसका भी तेजी से होना चाहिए और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी तो पंचायतें तो हैं 8,058 पंचायतें और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है तो आपको वहां पर के लिए बहाली हुई है जो दिया जा रहा, लेकिन अभी और बहाली होनी है और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए और हर स्तर पर भी हानि होगी और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी जरूरत है जिला परिषद में उसमें भी सब काम करवा। हम तो चाहते हैं ना बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएं, वो तो एक बात है, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन सभी लोगों में जागृति की जरूरत है। अब पहले क्या स्थिति थी, आज तो स्थिति बढ़ी है, अब लड़के लड़कियों को महिलाओं को सबकी स्थिति कितना होगा और किस तरह से सारा सब कुछ विकास हो रहा है। तो आप जो पंचायती स्तर पर है, तीन खंड जो जिला और प्रखंड और पंचायत के स्तर पर, तो इन सभी जगहों पर आप लोगों को बहुत ही सक्रिय रहना और सक्रिय रह करके जो भी सरकार की जिम्मेवारी है और जो भी काम किया है, आप बताइए ना, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल सुरक्षित कराना है भाई, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, हर घर में शौचालय और ये सब काम जो हो रहा है और एक एक बात को किया ही जा रहा है ना भाई, कौन कौन काम सब हम लोग करते चले जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जितना सब कुछ काम किया जा रहा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को देखना। अब आप जान ही रहे हैं कि अब जितना ज्यादा सब काम किया जा रहा है तो उन सभी कामों में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग तेजी से काम करवाइएगा और सिर्फ काम ही नहीं करवाना बल्कि उस काम को देखना और पूरे तौर पर काम करना। और अभी तो हम बराबर ही कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को सरकार बनाती है तो उसका मेंटेनेंस तो होना ना चाहिए और सब लोग को बधाई है, खूब काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए और सबको और विकसित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों विभागों को बधाई देता हूँ और बाकी तेजी से काम करना है, लोगों की और बहाली तेजी से करवाने में अपना जरूर सक्रियता निभाइएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।